आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जो एफसीआई गोदाम से जुड़ी हुई है, जहां पर ऑटो की गिनती होनी है। देर रात एक स्कॉर्पियो जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था वहां पहुंची तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे घेर लिया और जब तलाशी ली तो उसके अंदर बड़ी मात्रा में अनुपयोगी पोस्टल बैलेट पेपर रखे हुए थे। ये देखते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। सूचना मिलते ही जहां डीएम अमृत त्रिपाठी और पुलिस कप्तान अनुराग आर्या मौके पर पहुंचे, वहीं समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं में दुर्गा प्रसाद यादव, हवलदार यादव, अखिलेश यादव, डॉक्टर संग्राम यादव और नफीस अहमद समाजवादी पार्टी के समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और धरने पर बैठ गए। डीएम कार्रवाई की क्या बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित पुलिस प्रशासन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जैसा कि माननीय दुर्गा यादव जी 9 बार से MLA हैं, अखिलेश जी हैं, हमारे MLC राकेश गुड्डू जी हैं, नफीस अहमद जी हैं, हम सारे लोग, जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश का वातावरण बना हुआ है, लगातार EVM के साथ छेड़छाड़ और बनारस के अंदर वहाँ के कमिश्नर साहब ने खुद स्वीकार किया कि कोई भी इस तरह से गाड़ी मूवमेंट करते हुए हम सिक्योरिटी के साथ ही उसको मूवमेंट किया जा सकता है, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है। और हम सबके अंदर चारों तरफ उत्तर प्रदेश में, खासकर आजमगढ़ में, इस तरह के वातावरण बने हुए हों, ऐसे समय में हमारी समय समय पर आपसे भी वार्ता हुई। हमने SSP साहब से भी कहा कि आप निष्पक्ष और शांतपूर्ण तरीके से चुनाव करा दीजिए। अचन पटेल जी भी सगड़ी के प्रत्याशी खड़े हैं। हमारे आजमगढ़ में हमेशा हम लोग शांत प्रिय लोग रहे हैं, कभी चुनाव में एक भी बवाल नहीं हुआ। कल आपकी, परसों आपकी सक्रियता से लगभग वही नजारा था, लेकिन मैं बार बार कहता रहा, लेकिन अनाधिकृत तौर पर कुछ लोग जनपद में 7-8 गाड़ियों के साथ भ्रमण करते रहे, उसकी वीडियो भी मेरे पास है, समय पे जारी भी कर दूंगा। आप जब भी मांगना चाहेंगे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हम लोग भी सरकार सत्ता में रहे, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी रहा यूनियन का, और वहाँ में मैंने भी बहुत अच्छे अधिकारियों के साथ, तीसरी बार मैं चुनाव के मैदान में हूँ। अगर DM साहब, ये लोकतंत्र की जितनी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, लगभग उसी तरह से भारत के, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है। हमें आपके सिस्टम पर विश्वास और भरोसा भी है, लेकिन इस तरह से जब उत्तर प्रदेश का वातावरण बना हो तो आखिर इस तरह से स्कॉर्पियो का आना, उसको रोकना, लाइट काट देना, और जब लोग पूछ रहे हो तो ये कह देना कि हम पास बनवाने जा रहे हैं, तो एक आशंका को बल दिया जाता है और एक जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और आप IAS अफसर हैं, देश की सर्वोच्च सेवा के आप अधिकारी हैं, और मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं, मैंने भी PhD किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज रात को जो पोस्टल बैलेट आप कह रहे हैं कि अनयूज्ड है, इसका यूज नहीं हुआ है, आखिर इसको स्ट्रांग रूम यहाँ पर लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? इसको आप अपने कार्यालय पे रखवाते, जो आपने ट्रेजरी बनवाया वहाँ पे रखवाते, या आप यहाँ ला ही रहे थे तो हम प्रत्याशीगण अपने एजेंट रखते, इलेक्शन एजेंट रखते। राज बहादुर जी बहुत काबिल वकील है, आजमगढ़ की शख्सियत है, ये माननीय अखिलेश यादव जी के भी इलेक्शन एजेंट रहे, माननीय मुलायम सिंह जी के भी इलेक्शन एजेंट रहे। हम सबके पर्चा दाखिला में इन्होंने लगभग हमारे सारे प्रत्याशियों का पेपर चेक किया और आपने उसको ओके भी किया। हमारा आपसे टकराहट का कहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन आप खुद हमें इस बात को एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें कि इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का तनाव का वातावरण बनो तो क्या आप हमें सूचना दे देते? हम आपकी सूचना पे 5 मिनट के अंदर आ जाते और आप ये कह देते कि इस नंबर की गाड़ी में अनयूज्ड बैलेट पेपर है, उस बैलेट पेपर को आप यहाँ क्यों लाते? जब हमारे कर्मचारियों ने OPS के सवाल पर बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ आक्रोशित होकर के वोटिंग किया, हम भी मानते हैं 8 बार से हम लोग डेमोक्रेसी को देख रहे हैं। हमारे पिताजी भी बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेतृत्व कर चुके हैं। इस तरह का कभी वातावरण नहीं रहा। संस्थाएं अविश्वसनीय होती चली जा रही है। जितना विश्वास पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है, उतना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। हम लोग कोई
पढ़ लिख करके राजनीति में प्रवेश किया है, लेकिन आप बताइए इस तरह से इस नंबर की गाड़ी और उसके शीशे भी, आप ही कहे थे शीशे पारदर्शी होने चाहिए, इसके शीशे क्या पारदर्शी है? अगर ये शंका को बल नहीं देता है तो आखिर है क्या ये? इस तरह का और इस तरह से जाना, हमारे लोगों को रोकना और रोक करके कहना लाइट काट देना, ये कहाँ का कहाँ की व्यवस्था है? तो ये पूरी तौर पर शंका को बल देती है। और आजमगढ़, हम तो जनता से अनुरोध करेंगे जो हमारी बात मोबाइल से और दुनिया में सुन रहे लोग, कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को लोकतंत्र बनाने के लिए, हे आजमगढ़ वासियों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारे आपने जो मतदान दिया है उस मतदान को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। हम जिलाधिकारी पर आरोप नहीं लगाते, हमारी बात सुन लीजिए, हमें जिलाधिकारी की संस्था पर कोई आरोप नहीं लगाते, लेकिन इस सिस्टम में गड़बड़ी कहां से हो रही है? क्या ड्राइवर इतना इस तरह का व्यवहार करेगा? क्यों गाड़ी लेकर के आया, मुंह बांधे रहा, हमसे कहता है कि विधायक जी अभी एडीएम साहब से आप मिल लीजिए। मैं उनसे मिलकर यही तो कहा कि आपने अभी देखा कि बनारस के अंदर क्या हुआ, कमिश्नर साहब खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि इसका मूव तब किया जा सकता है कि जब इलेक्शन एजेंट को बता दिया जाए, फोर्स के साथ मूवमेंट। इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को आप इस स्कॉर्पियो की जिम्मे छोड़ दिए, आखिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? अगर आप चाहते हो कि कल के चुनाव में और इस तरह का वातावरण आजमगढ़ में हो जाए, आजमगढ़ में गांव गांव लोग जग रहे हैं, अलाव जला जला के जग रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, हम टकराहट कतई पसंद नहीं करते, हम आपकी संस्था को, हमें विश्वास है कि भारत में अगर राज्य तो खुद ही नक्सलवाद से जूझ रहा है, हमारे सैनिक रोज मारे जा रहे हैं, किसान का बेटा मारा जा रहा है, तो आप इस तरह से अविश्वास का वातावरण क्यों बन गया? आजमगढ़ के लोगों ने आप पर विश्वास किया, शांतपूर्ण तरीके से नामांकन किया, जो जो आपने गाइडलाइन दिया, हमने उस गाइड जो आपने गाइडलाइन दिया, हमने प्रयास किया कि हम वो सारी गाइडलाइन को फॉलो करें, लेकिन हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो कि इतना सीनियर मंत्री को बैठना पड़े, सारे प्रत्याशियों को आकर के बैठना पड़े, और स्कॉर्पियो वाला इतना मन बड़ा कि हम भी आए तो हमसे दिल बच्चा मान के मिल रहा है कि विधायक जी आप एडीएम साहब से मिल लीजिए, अभी मामला शांत हो जाए। हमने कहा जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे मैं किसी की भी बात मानने वाला नहीं हूँ। नहीं हूँ आप कृपा करके हमारी दो तीन शंकाओं का समाधान कर दें। नंबर वन कि इस तरह से गाड़ी का मूवमेंट क्यों हुआ? आखिर आज ही सादे बैलेट पेपर, अनयूज्ड बैलेट पेपर को काउंटिंग स्थल पे लाने की रात में आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला कि इस तरह से मूवमेंट क्यों, और दूसरा आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, और तीसरा बिजली क्यों काटी गई, और इस तरह का वातावरण क्यों बना? आप इस शंका का समाधान कर दें। और आप बहुत काबिल आईएएस अफसर है, मैं आपके बारे में जानता हूं, आपके रहते आजमगढ़ में अगर लोकतंत्र की लूट होगी तो परिणाम घातक होगा, आप इसको कृपा करके इस पे करो। शांत रहिए एक मिनट। अरे यार क्यों इधर में? एक दिया। अरे साथ में रहो। आप चुप रहिए, एकदम चुप रहिए, आपकी बात को सब लोग ध्यान से सुनिए। कुछ भी नहीं डीएम साहब है। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दो तीन बातें बता रहा हूँ। आज सुबह सुबह ही आपके प्रतिनिधिमंडल से मेरी मुलाकात हुई थी, और जो भी बातें आपने रखी थी मैंने सारी की सारी बातें सभी आरओज को बहुत विशेष रूप से बताई थी, और
मुझे लगता है कि सभी आरओस ने कैंडिडेट्स को वो सारी चीज़ें बताई और उपलब्ध कराई। अब इस विषय का जो ये विषय अभी हुआ है, इसमें अनयूज बैलेट पेपर जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसकी काउंटर फाइल्स और कुछ बैलेट पेपर्स इसमें गाड़ी में रखे जो कि नहीं लाने चाहिए थे, बहुत स्पष्ट रूप से इसमें निर्देश ये है कि इनको भी ओल्ड बैलेट पेपर्स के साथ जमा करना होता है स्ट्रांग रूम में। और आप भी जानकारी है और सभी कैंडिडेट्स को रिसीव भी कराया गया है कि कल 5 बजे वो पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम खुलता है और 5 बजे ही खुलेगा, अभी सब लोगों ये सूचित है। अब मैं ये मुझे अभी जो प्रारंभिक रूप से पता चला है कि वीडियो साहब ने ये वाला जो अनयूज पोस्टल बैलेट था इसको तत्समय जमा नहीं कराया और इसको जमा कराना चाहिए था, तो इसके लिए प्रथम दृष्टया ये दोषी भी है और इनके विरुद्ध कार्रवाई भी मैं करने जा रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। और जहाँ तक प्रश्न है आयोग की शुचिता का, उसमें किसी भी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हमने होने दिया है ना हम होने देंगे। सारी प्रक्रिया जो नियम है उसी नियम का पालन करते हुए, आपने ये भी प्रश्न उठाया कि गाड़ी में काली फिल्म लगी है, ये गाड़ी में काली फिल्म है, कप्तान साहब बगल में खड़े हैं, ये गाड़ी का भी सीजर होगा, यही से तत्काल प्रभाव से गाड़ी को भी सीज किया जाएगा। और ये बिजली कटने की बात है, इसको मैं भी इंक्वायर करता हूँ कि बिजली क्यों कटी गई, ये मैं आपका विश्वास प्रशासन पे रहे, आपका विश्वास प्रक्रिया पे रहे, इसीलिए मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ। ये इनके द्वारा एक प्रक्रियात्मक गलती की गई है और चुनाव आयोग में किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी गलती प्रक्रियात्मक हो उस पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर हम लोग कार्रवाई रिकमेंड करेंगे। और जहाँ तक आपने सुरक्षा की बात कही, क्योंकि इन वीडियो ने बताया ही नहीं है, ये तत्समय अगर हमारे संज्ञान में होता तो ऐसी स्थिति आती ही नहीं, ये वीडियो इसके लिए पूरी तरह उत्तरदायी है, दोषी है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हम करेंगे। जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी जो कि तत्समय वीडियो साहब ने इस बात को किसी को बताया नहीं, ये वीडियो अजमतगढ़ जैसे मुझे बताया गया, मैं पूरी इंक्वायरी करने के बाद आपको डिटेल रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। आप देखिए पूरे 10 की 10 विधानसभा में कहीं ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, सिर्फ एक अनयूज पोस्टल बैलेट जो इनको तत्समय ही जमा करना चाहिए था, इन्होंने किसी को बताया नहीं। और ये जो हमें पता चला है तुरंत आधा घंटा पहले, जी बिल्कुल सुनिए मेरी बात, आप चुप रहोगे तो मैं बात कर पाऊंगा कि माहौल इतना अच्छा नहीं है। आप लोग एकदम शांत रहिए, मैंने आपको जैसा बताया कि ये प्रक्रियात्मक इनकी गलती हुई है और इस प्रक्रियात्मक गलती को भी हम चुनाव पूरी आयोग के निर्देश प्रक्रिया का अक्षरशः पालन, कोई भी अभी से लेकर के काउंटिंग तक किसी भी प्रक्रिया का कोई भी उल्लंघन करेगा कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। आपका विश्वास होना चाहिए, हर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रूप से अपनाई जाएगी। सुनिए, जिलाधिकारी महोदय ने आपकी सतर्कता से जो लोकतंत्र लुटने से बचा है, जिलाधिकारी महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि वीडियो की गलती है, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तत्काल कार्रवाई करेंगे, अभी थोड़ी ही देर में कार्रवाई करेंगे और गाड़ी भी सीज की जाएगी। दूसरा, हम डीएम साहब से अनुरोध करते हैं, डीएम साहब से अनुरोध करते हैं जो और कप्तान साहब से विशेष अनुरोध करते हैं कि सुरक्षा का दायित्व सबसे बड़ा कप्तान साहब के ऊपर है और कप्तान साहब अभी एकदम नए हैं, अभी लोगों के उम्र की है, ये तरह तरह की शंकाएं व्याप्त हो रही है, क्योंकि ये खुला एरिया है, ओपन एरिया है, इसमें स्कूल भी है, मंदिर भी है, कंडी भी है, इधर उधर है, आप चारों तरफ ऐसी सुरक्षा का घेरा बना दीजिए कि रात में लोगों को खेतों में बैठना ना पड़े, क्योंकि कहीं से सूचना आ रही कि दीवार तोड़ी जा रही है। और सुनिए, ये लोग ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दे रहे हैं, बीडीओ छोटे अधिकारी एसडीएम
जो एसडीएम अनुभवहीन है वो आपकी संस्था को बदनाम कर रहे हैं, जो आपके सीओ इंस्पेक्टर वो चापलूसी में लगे हैं वो आपकी संस्था को बदनाम कर रहे हैं। मैं कल दिन भर आपको सूचना देता रहा लेकिन इंस्पेक्टर एक बार भी खड़ा होकर के ऐसे अवंचित लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया। हमें कोई लार नहीं टपकती है, एमएलए हम रह लिए, दो बार रह लिए, यूनिवर्सिटी जनरल सेक्रेटरी भी रह लिए, दुर्गा जी नौवीं बार होने जा रहे हैं, नफीस होने जा रहे हैं, अखिलेश जी, अच्छन पटेल, आपको सारी रिपोर्ट पता है, एलाउड को आप देखते हैं, आप मानते भी हैं, लेकिन कृपा करके चारों तरफ आप घेरा बना दें। अगर ये बताइए, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव अनुरोध न किए होते तो आपकी पुलिस गाड़ी को नहीं पकड़ी है, ये हमारे कार्यकर्ता गाड़ी को पकड़े हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को हम सलाम करते हैं कि जो वोट नहीं दिए।